हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं अमित सर आज कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ। तो चलिए, आज जो हम लोग की मेन बात हो रही है वो आज हम लोग डायरेक्शन टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कंटिन्यूटी जरूरी होती है, तो अभी से मैं कंटिन्यूटी करने की कोशिश करूँगा और पर डे ऑलरेडी मैं आपके साथ एक क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा, ठीक है? लेकिन उस क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आप उस क्वेश्चंस को बिना पेन पकड़े भी हैंडल कर सकते हो। डैट मीन्स स्क्रीन पे प्रश्न है, आप उसका जवाब इजीली हैंडल कर सकते हो। लेकिन इसके पहले हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट से रूबरू होना होगा और कुछ नए तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कला हमें सीखनी होगी, ठीक है? तो चलिए, आज मैं ये पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, डायरेक्शन। जैसा कि पर डे आपके पास एक क्वेश्चंस का सलूशन मिलेगा आपको और आप उस क्वेश्चंस को बखूबी कहीं से भी हैंडल कर सकते हो, आप किसी भी बुक पे उस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए देखिए, बात हम लोग करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन दैट मीन्स दिशा, इसके साथ साथ डिस्टेंस भी होते हैं। तो हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा और दूरी। तो देखिए, ये तो सबको मालूम है कि डायरेक्शन की संख्या जो होती है वो 8 होती है, जिसमें 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं और 4 एडिशनल डायरेक्शंस होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये मेन डायरेक्शन क्या है और ये एडिशनल डायरेक्शन क्या है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इज द मेन डायरेक्शन, और नॉर्थ के पॉइंट से डिस्प्लेस होने के बाद, यानी हटने के बाद, जब तक हम एग्जैक्ट ईस्ट के पॉइंट पे नहीं आ जाते हैं तब डायरेक्शन कहलाती है नॉर्थ ईस्ट। इसी को हम लोग एडिशनल डायरेक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो डायरेक्शन का मिक्सचअप है, क्लियर है? इसी तरीके से यदि कोई ईस्ट के पॉइंट से डिस्प्लेस हो गया तो जब तक वह साउथ के एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंच जाता है, यानी ईस्ट से साउथ के बीच का कोई भी हम पॉइंट ले ले, यह डायरेक्शन साउथ ईस्ट कहलाएगा। सेम कंडीशन, साउथ से वेस्ट तक का जो डायरेक्शन होगा वह डायरेक्शन साउथ वेस्ट कहलाएगा। इसी तरीके से नॉर्थ से वेस्ट तक के बीच में किसी भी पॉइंट को हम कंसीडर क्यों ना करें, वह डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। क्लियर है? तो फिर से ध्यान से बता दूं, ये थ्योरी में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको देता जाऊंगा, आप थोड़ा सा इस थ्योरी पे फोकस कीजिए, आप विदाउट पेन टचिंग डायरेक्शंस के सभी प्रश्नों को बना सकते हो, ठीक है? तो चलिए देखिए, डायरेक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि डायरेक्शन की टोटल संख्या 8 होती है, जिसमें 4 मेन डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और 4 एडिशनल डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? अब जो डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हर किसी के माइंड में होना चाहिए, हम लोग उसको देख रहे हैं। तो ध्यान से देखोगे, डायरेक्शन की संख्या 4 मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इस फिगर को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि यही फिगर आपके पेन को जो है वो इससे आजाद कर देगा, ठीक है? तो देखिए, ईस्ट की ओर यदि कोई व्यक्ति या वस्तु सफर कर रहा है, दैट मीन्स अगर मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूं तो राइट टर्न मेरा डाउनवर्ड होगा और लेफ्ट टर्न मेरा अपवर्ड होगा, यानी राइट में मैं नीचे मूव कर जाऊंगा और लेफ्ट में मैं ऊपर मूव कर जाऊंगा। क्लियर है? इसी तरीके से ईस्ट का जस्ट अपोजिट वेस्ट है, अर्थात यदि मैं वेस्ट की ओर जा रहा हूं, पश्चिम दिशा में जा रहा हूं, तो राइट टर्न पे मैं अपवार्ड यानी ऊपर जाऊंगा और लेफ्ट टर्न पे मैं डाउनवार्ड यानी नीचे जाऊंगा। क्लियर है? इसी तरीके से यदि मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूं तो राइट और मेरा राइट सेम होगा, लेफ्ट और मेरा लेफ्ट ऑलवेज सेम होगा। इसी तरीके से यदि मैं साउथ की ओर आता हूं तो साउथ की ओर आने पे मेरा राइट उसके लेफ्ट में कन्वर्ट होगा और मेरा लेफ्ट उसके राइट में कन्वर्ट होगा। इसको मैं कहता हूं बैकबोन ऑफ डायरेक्शन, दैट मीन्स ये डायरेक्शन का बैकबोन है। क्लियर है? तो करना क्या है कि मुझे इस फिगर को बस अपने मस्तिष्क में, यानी अपने माइंड पे
इस तरीके से बैठा लेना है कि यदि किसी ने कहा कि ईस्ट जा रहा हूं, राइट मुड़ रहा हूं, तो मुझे दिखे नीचे जाऊंगा, लेफ्ट मुड़ रहा हूं ऊपर जाऊंगा, वेस्ट में जाते समय राइट ऊपर लेफ्ट नीचे होना है, नॉर्थ में जाते समय मेरा राइट और इसका राइट सेम होगा, मेरा लेफ्ट और इसका लेफ्ट सेम होगा। यही डाउनवर्ड यानी साउथ में जाते समय जो मेरा राइट पार्ट है वो इसके लेफ्ट में कन्वर्ट हो चुका है और जो मेरा लेफ्ट पार्ट है वो इसके राइट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने दो थ्योरी डायरेक्शन की जान ली, अब चलिए मैं तीसरे थ्योरी की ओर बात चलता हूं डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैं ईस्ट की ओर 5 किलोमीटर जाता हूं, ठीक है, अब मुझे राइट टर्न लेने हैं, तो मैंने राइट टर्न नीचे लिया और 4 किलोमीटर चल लिया। अब मुझे फिर लेफ्ट टर्न लेने हैं, तो मैं यहां से लेफ्ट टर्न लिया और 6 किलोमीटर चला, तभी मैं कहां जा रहा हूं, ईस्ट में। एट स्टार्टिंग मैं कहां जा रहा था, ईस्ट में। दैट मीन्स यह फिगर जो है यह मुझे दिखलाता है कि यदि मैं एक राइट और एक लेफ्ट को कैंसिल कर देता हूं तो मैं फिर से सेम डायरेक्शन में आता हूं, यानी एक राइट और एक लेफ्ट को यदि मैं कैंसिल करता हूं तो मैं SD यानी सेम डायरेक्शन में फिर से आ जाता हूं। ये डायरेक्शन का अच्छा पार्ट है। क्लियर है कि एक राइट और एक लेफ्ट को कैंसिल करने पर कोई भी व्यक्ति पुनः से सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से देख लो। डायरेक्शन की संख्या 8 जिसमें दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा मेन डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यदि नॉर्थ के पॉइंट से ईस्ट के पॉइंट को देखा जाए तो इसके बीच में कोई भी पॉइंट पे यदि हम एग्जैक्ट खड़े हैं तो वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया है। डैट मीन्स ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जिसको हम एडिशनल डायरेक्शन कहेंगे। इसी तरीके से यदि साउथ और ईस्ट के बीच के किसी भी पॉइंट पे हम खड़े हैं तो यह एरिया साउथ और ईस्ट के एग्जैक्ट बीच में आ रहा है, इसीलिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन है जो एडिशनल हुआ। साउथ और वेस्ट के बीच में किसी भी पॉइंट पे हो साउथ वेस्ट कहलाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में किसी भी पॉइंट पे हो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। फिर हम लोगों ने जाना कि यदि ईस्ट में जाते समय राइट मूव करूंगा तो नीचे, लेफ्ट मूव करूंगा ऊपर, वेस्ट में जाते समय राइट मूव करूंगा ऊपर, लेफ्ट मूव करूंगा नीचे, नॉर्थ में जाते समय मेरा राइट उसका राइट सेम होगा और मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट सेम होगा। इसी तरीके से हमने साउथ में देखा कि साउथ में जाते समय मेरा राइट उसके लेफ्ट में कन्वर्ट होगा और मेरा लेफ्ट उसके राइट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? फिर हम लोगों ने देखा कि यदि मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूं और ईस्ट की ओर जाते समय यदि मैं एक राइट टर्न लेता हूं और एक लेफ्ट टर्न लेता हूं तो मैं फिर से ईस्ट में ही सफर कर रहा हूं। डैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि एक राइट और एक लेफ्ट को यदि मैं कैंसिल कर देता हूं तो वह मुझे सेम डायरेक्शन यानी SD में लेकर चला आएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है और इसका यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर रहा हूं ताकि मैं क्वेश्चंस लिख सकूं। तो देखिए, आज हम लोग डायरेक्शन को है ना ट्रेडिशनल तरीके से अलग हटकर बिल्कुल इसको हवा में बनाना सीख लेंगे कि कैसे डायरेक्शंस के प्रश्न को विदाउट पेन टचिंग हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आज पहला प्रश्न लिख रहा हूं आपके सामने। तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिया, ठीक है, मैंने कहा राम अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और अंततः अपने दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर
चलता है और रुक जाता है, तो बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। प्रश्न आपके सामने है ना कि राम अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और अंततः अपने दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। तो बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल तरीके से तोड़ देता हूं, उसके बाद इसको मैं आपको थिंकोलॉजी पे बनाना सिखा दूंगा। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राम अपने घर से पहले दक्षिण दिशा में चलना है उसे 5 किलोमीटर, उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो याद होगा दक्षिण से दाया यानी मेरे बाएं हाथ की ओर, तो मेरे बाएं हाथ की ओर यह भाई साहब चल रही है 6 किलोमीटर, और फिर यहां से अपने बाईं ओर मुड़ते हैं तो वेस्ट में जा रहा है। वेस्ट का दायां ऊपर और बायां नीचे, यानी वो बाईं ओर मुड़ करके चलता है 4 किलोमीटर, और फिर कहता है कि अंततः अपने दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो साउथ से दायां यानी मेरा बायां, और मेरे बाएं में वो 10 किलोमीटर जाकर रुक जाता है। अब हमसे पूछ रहा है बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी यहां सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है। तो हम लोग देख कर कहते हैं कि यह तो अभी वेस्ट में जा रहा है, तो हम अपना आंसर क्लिक कर लेते हैं वेस्ट डायरेक्शन। इट्स अ ट्रेडिशनल तरीका, लेकिन क्या आज के समय में इतना काम करने का फुर्सत है? बिल्कुल नहीं है। जहां एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, ऑनलाइन हो चुके हैं, यहाँ हम लोगों को इतना काम बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए अब मैं बात पे आता हूं और बतलाता हूं कि कैसे हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब भी डायरेक्शन के प्रश्न उठेंगे वो 3 जगह से उठेंगे। पहला क्रिएशन जो है वो सिर्फ डायरेक्शन पूछेगा, दूसरी बार में वो सिर्फ डिस्टेंस यानी दूरी पूछेगा, और तीसरी बार में वो डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछेगा। दैट मींस रिस्पेक्टिवली वाले क्वेश्चन यानी संदर्भ वाले क्वेश्चन, कि ए के संदर्भ में बी कहाँ है, या राम अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। इसमें ऑलरेडी डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों मिक्सअप होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखिए स्क्रीन पे। क्लियर है? अब समझ लीजिए, ये सब नहीं, आपने ट्रेडिशनल तरीके से देख लिया ना कि आंसर वेस्ट आना है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर ने देख करके चीटिंग कर लिया। ठीक है, चलिए मैंने इसको साफ कर दिया ना। अब मान लीजिए मेरे ऑप्शंस यहाँ पे रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी है वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है नॉर्थ, और ऑप्शन नंबर डी है साउथ। क्लियर? चलिए देखिए, मैंने क्वेश्चंस पढ़ना शुरू किया। राम अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा। यहां तक क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते मेरे माइंड को मालूम चल चुका है कि भैया मुझे डायरेक्शन के क्वेश्चंस का जवाब देना है, ये तो तय है। अब मैं पूरे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, मैं सीधा अंतिम लाइन पे आऊंगा कि मुझसे मांग क्या रहा है। डायरेक्शन मांग रहा है, डिस्टेंस मांग रहा है, कि बोथ डायरेक्शन और डिस्टेंस मांग रहा है। यानी मैं पहले तय करूंगा क्वेश्चंस को पढ़कर कि ये क्वेश्चंस मेरे डायरेक्शन सेक्टर से हैं। मैं डायरेक्ट आऊंगा अंतिम लाइन पे और देखूंगा कि दिशा पूछ रहे हो कि दूरी पूछ रहे हो, कि दिशा और दूरी दोनों पूछ रहे हो। तो क्वेश्चंस कहता है मुझे दूरी से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ दिशा चाहिए। और जैसे ही उसने दिशा मांग लिया, हमारा काम उसने आसान कर दिया। याद है मैंने सिखाया था, एक राइट और एक लेफ्ट को कैंसिल करेंगे तो हम SD में आ जाएंगे, याद है ना? तो देखिए इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज कर रहा हूं। सबसे पहले राम अपने घर से किधर चलता है, साउथ डायरेक्शन में। हमसे मांगा क्या है, दिशा मांगा है। तो जब सिर्फ दिशा मांगा है तो दूरी देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दाया बाया निकाल कर बाहर रखेंगे स्पीड में। तो दक्षिण दिशा में जाते जाते सबसे पहले वो राइट टर्न लेता है,
उसके बाद फिर आगे जाकर वह लेफ्ट टर्न लेता है और फिर वो आगे जाकर राइट टर्न लेकर रुक जाता है। अब मुझे मालूम करना है वो किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, यानी सेम डायरेक्शन में आ गया। तो सेम डायरेक्शन कहने का मतलब मैं साउथ में हूं और साउथ से मुझे राइट टर्न लेने हैं। तो याद है, साउथ जाते समय यदि मैं लेफ्ट टर्न लेता हूं तो ईस्ट में और राइट टर्न लेता हूं तो वेस्ट में, तो मेरा आंसर निकल कर क्या आया, वेस्ट आया। यानी यदि वो बैकबोन आपको याद है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान काम है। मैं फिर से बैकबोन क्रिएट कर रहा हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे, यहां से यह लेफ्ट और यह राइट, यहां से यह राइट और यह लेफ्ट, याद होगा बैकबोन। बस इसी पे ये काम कर लेना है। अब देखिए, हमने इतना काम किया ना, मैं इसको फिर से कर देता हूं। मैं अपने घर से सबसे पहले चला साउथ, मुझे सिर्फ दिशा जाननी थी, दूरी से कोई मतलब नहीं था। तो दक्षिण दिशा में जाते जाते मैं पहले मुड़ा राइट, फिर आगे गया कुछ दूरी के बाद मुड़ा लेफ्ट, और फिर आगे जाकर कुछ दूरी के बाद मुड़ा राइट। अब वो जानना चाहता है किस दिशा में हूं। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल किया हमने, सेम डायरेक्शन में पहुंच गया। अब साउथ से मुझे राइट मुड़ने हैं, साउथ से राइट मुड़ने का मतलब है मैं वेस्ट में जा रहा हूं। तो मैंने जस्ट आंसर दिया वेस्ट। अब आप कहोगे, सर जी आपने तो पेन पकड़ लिया, तो सबसे पहले पेन पकड़ के प्रैक्टिस तो करनी होगी। अब देखिए, मैं विदाउट पेन इसको बना रहा हूं, ठीक है। देखिए, यहीं से ही कैंसिल करूंगा। राम अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण, मालूम चल गया भैया डायरेक्शन का प्रश्न है, सीधा नीचे वाले लाइन पे आया। वह किस दिशा में जा रहा है, माइंड मेकअप कर लिया, दिशा पूछ रहा है, दूरी की कोई जरूरत नहीं, बस राइट लेफ्ट को काटना है। दक्षिण जाते समय सबसे पहले मिला राइट, उसके बाद आगे जाकर मिला लेफ्ट, राइट लेफ्ट कट गया, मैं फिर से आ गया दक्षिण में, फिर आगे जाकर मुड़ा राइट, आगे जाकर के रुक गया। तो कहां से राइट, तो दक्षिण से मुझे मुड़ना है राइट, दक्षिण से लेफ्ट मुड़ने पे ईस्ट आऊंगा और राइट मुड़ने पे वेस्ट जाऊंगा। मैं अपना आंसर क्लिक करूंगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। दक्षिण की ओर जाते जाते डायरेक्शन पूछा गया, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल किया क्वेश्चन में, फिर से दक्षिण आ गया और फिर दाएं मुड़ना है। तो कहां से दाएं, दक्षिण से दायां, दक्षिण से दायां यानी पश्चिम, पश्चिम यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। ये आज का एक क्वेश्चन जो मैंने आपको विदाउट पेन टचिंग लिखना सिखा दिया। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं हम इस वीडियो को, बस 2 बार से 3 बार बैक कर कर देख लीजिएगा। आप डायरेक्शन के इस टाइप के प्रश्न को मुझवानी बना सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक और प्रश्न लिख देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाए, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, राम अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। तो अब वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है। हमारे सामने प्रश्न है, सबसे पहले मैं देखा राम अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा, अच्छा डायरेक्शन का प्रश्न है। मैं सीधा आया अंतिम लाइन पे कि मुझे क्या चाहिए, दिशा चाहिए, दूरी चाहिए, या दिशा और दूरी दोनों चाहिए। तो अब वह
किस दिशा में जा रहा है, यानी मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, तो मैं दक्षिण की ओर जाते जाते सबसे पहला टर्न लेफ्ट लेता हूं, फिर कुछ दूरी तय करने के बाद फिर से लेफ्ट लेता हूं, यानी दो लेफ्ट हो चुके हैं। फिर मैं आगे जाता हूं और राइट लेता हूं, एक लेफ्ट एक राइट ऑलरेडी कैंसिल हो गया और मुझे फिर से वो सेम डायरेक्शन यानी पश्चिम पे ले आया। अब रुक जाता हूं तो मेरे पास दो ही डायरेक्शन क्वेश्चन में बचे हुए हैं, एक पश्चिम है और एक लेफ्ट है। तो पश्चिम से राइट ऊपर जाऊंगा, लेफ्ट नीचे जाऊंगा, और नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है, तो साउथ डायरेक्शन होता है। हमने आंसर क्लिक कर लिया, क्लियर है। देखिए, अब मैं इसी को लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं कहां चला था, वेस्ट में चला था, नीचे उतर कर आया। भैया दिशा मांग रहे हो कि दूरी मांग रहे हो, तो प्रश्न ने कहा मुझे सिर्फ दिशा का पता दे दो। तो मैंने कहा जब दिशा का पता देना है तुम्हें तो दूरी से क्या लेना देना, मैं सिर्फ दिशा ही निकाल देता हूं। तो पश्चिम की ओर जाते जाते मैंने पहला टर्न कुछ दूरी पे लेफ्ट लिया, फिर आगे मुड़कर चलता हूं तो फिर से मैं लेफ्ट ही टर्न लेता हूं, और फिर आगे मुड़कर चलता हूं तो फिर से मैं राइट टर्न लेकर रुक जाता हूं। एक राइट और एक लेफ्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट मैंने काट दिया तो मैं सेम डायरेक्शन में आ गया। अब मुझे वेस्ट से मुड़ने हैं लेफ्ट, तो याद होगा बैकबोन वेस्ट जाते समय राइट रोटेशन ऊपर होता, लेफ्ट रोटेशन नीचे होता। तो नीचे कहाँ, तो नीचे साउथ में, तो आंसर हमने लिख दिया साउथ। चलिए, तो फिर कल नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग इसके पार्ट को और आगे की ओर बढ़ाएंगे, और एक एक क्वेश्चंस पर डे आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ, धीरे धीरे आपकी पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ऐसे चुटकियों में बन जाएगी विदाउट पेन टच किए हुए। स्क्रीन पे देखना है, क्लिक करना है, पेन पकड़ने की जरूरत रीजनिंग में ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं होती है, और मैं आप धीरे धीरे आपको वही सिखाऊंगा। तो पर डे वन क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट किलर है ये, कॉन्सेप्ट को किल कर देना है, क्लियर है। तो चलिए आज दोस्तों इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल अपलोड करते हैं, चलिए, थैंक यू।